तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन विषय के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन और उनके आंसर देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, आपका जो कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय का जो पेपर होगा उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। अब देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को याद कर लें, जैसे कि प्रबंध की एक उपयुक्त परिभाषा आपको देनी है, प्रबंध किस प्रकार जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है ये आपको बताना है। उसके अलावा देखो, एक ये वाला क्वेश्चन प्रबंध से क्या से है, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे बिल्कुल आपके पेपर में छपने वाला है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी याद कर लें। प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर आपको याद करना है, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो, अगला यहाँ से देख ले, तकनीकी ज्ञान, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद करनी है। उसके बाद में देखो, प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व का विवेचन आपको करना है, तो देखो यहाँ से आप सब लोग प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के विवेचन को आप लोग यहाँ से याद कर लो पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो, ये वाला क्वेश्चन प्रबंध के सहायक कार्य क्या है, तो देखो यहाँ से आप सब लोग प्रबंध के सहायक कार्यों को देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो, ये वाला क्वेश्चन प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी, इस कथन को स्पष्ट आपको करना है, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो पूरा और प्रबंध कला के रूप में ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सब लोग। इसी प्रकार के क्वेश्चन से जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग यहाँ से इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में देखो, प्रबंध का सिद्धांत, अर्थ एवं परिभाषा आपको बतानी है, सोपान श्रृंखला के सिद्धांत आपको बताने हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो, और वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य आपको बताने हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो, प्रबंध की प्रकृति की विवेचना आपको करनी है। उसके बाद में देखो, आप आगे बढ़ते हैं, टेलर एवं फेयोल के विचार सिद्धांतों की असमानताएं आपको बतानी है। अब देखो, यहाँ से पढ़ते हैं इन वाले क्वेश्चन को, तो वैश्वीकरण से क्या आशय है इस वाले को भी देख लो, व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं आपको समझानी है इसको भी देख लो, विमुद्रीकरण क्या है, तो देखो विमुद्रीकरण क्या है इसे भी आप लोग पढ़ लें, वैश्वीकरण का अर्थ और विशेषताएँ भी आपको बतानी है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में उद्देश्य एवं नीति में अंतर आपको बताना है, उद्देश्य और नीति में क्या क्या अंतर है ये आपको यहाँ से देख लेना है और पूरा का पूरा इसको समझ लेना है। उसके बाद में नियोजन के उद्देश्य, देखिएगा नियोजन के क्या क्या उद्देश्य यहाँ से देख ले, पूर्वानुमान लगाना, प्रबंध में मेधावीता, कार्यों में एकरूपता, समन्वय स्थापित करना, लक्ष्य प्राप्ति करना, इन क्वेश्चन को देख लो। बजट के आवश्यक तत्वों का उल्लेख आपको करना है, इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा उद्देश्यों का निर्धारण करते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातों का उल्लेख कीजिए, तो इन वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लो पूरा का पूरा। प्राप्ति योग, उद्देश्यों का संवेदन, उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चन, नियोजन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, तो नियोजन के लक्षण आपको बताने हैं। और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन, नियोजन की सीमाओं का व्याख्या आपको करनी है, तो देखिएगा नियोजन की क्या क्या सीमाएँ हैं, व्ययपूर्ण कार्य, वांछित लोच का अभाव, स्वतंत्रता का हनन, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे जो कि पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो, संगठन का अर्थ क्या है, संगठन के प्रकार क्या है, औपचारिक संगठन के 2 दोष आपको बताने हैं, और इसके बाद में एक प्रक्रिया के रूप में संगठन का अर्थ आपको समझाना है। उसके अलावा चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, औपचारिक संगठन के 2 लाभ एवं 2 दोष समझाइए, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जाएगा। अब इसके बाद में संगठन के कोई 4 उद्देश्य को समझाइए, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ लें, औपचारिक संगठन की कोई 4 विशेषता आपको बतानी है, और क्षेत्र आधारित संगठन संरचना के 4 उद्देश्य आपको बताने हैं। उसके अलावा औपचारिक संगठन व अनौपचारिक संगठन में अंतर भी आपको बताना है, तो देखिएगा आपके पेपर के लिए सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए यहाँ तक के। भर्ती से क्या तात्पर्य है, प्रशिक्षण की परिभाषा आपको देनी है, कार्य विश्लेषण के से क्या आशय है और प्रशिक्षण से क्या आशय है, एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्या तत्व होने चाहिए, आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा इनको याद कर लीजिएगा। उसके अलावा भर्ती में आंतरिक स्रोत का वर्णन आपको करना है। उसके अलावा प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर आपको बताना है, ये भी आपको देख लेना है। चयन के 5 सिद्धांत आपको बताने हैं, तो यहाँ से आप सब लोग चयन के 5 सिद्धांतों को देख लें। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, नियुक्तिकरण की आवश्यकता का या महत्व आपको बताने हैं, और उसके अलावा चयन प्रक्रिया को संक्षेप में आपको समझाना है। ऐसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।